हॉरेस डैनवी एक बैचलर था जो लगभग 50 साल का था। वो अपने हाउसकीपर के साथ रहता था। उसे हे फीवर नामक एक बीमारी थी। हे फीवर एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को डस्ट पार्टिकल से एलर्जी होता है। वास्तव में वो हमेशा बिल्कुल ठीक और खुश रहता था, सिवाय गर्मियों में, क्योंकि उन दिनों उसे हे फीवर हो जाता था। हॉरिस तालों का अच्छा खासा बिजनेस करता था और उसने दो हेल्पर्स भी रखे थे। इसके अलावा हर कोई सोचता था कि हॉरिस डैनवी एक अच्छा ईमानदार नागरिक है। हमारे नैरेटर हॉरिस डैनवी को एक अच्छा और रेस्पेक्टेबल पर्सन तो मानते हैं, लेकिन पूरी तरह ईमानदार नहीं। नैरेटर को हॉरिस की ऑनेस्टी पर शक था। नैरेटर अपने रीडर्स को बताना चाहते हैं कि हॉरिस डैनवी एक बार जेल जा चुका था और उसे पकड़े जाने का डर था। इसके बावजूद भी वो साल भर में एक बार एक घर में चोरी जरूर करता था। चोरी करने से पहले वो अच्छे से प्लानिंग्स करता और कामयाब हो जाने पर उन पैसों से अपने साल भर का खर्च चलाता था और अगले साल फिर से वो चोरी करता। हॉरिस डैनवी की एक कमजोरी थी कि उसे रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ने का शौक था। इनफैक्ट वो इन बुक्स को खरीदने के लिए ही चोरी किया करता था। वो छुपकर चोरी के पैसों से रेयर बुक्स खरीदा करता था। हॉरिस पूरा कॉन्फिडेंट था कि लास्ट ईयर की चोरी की तरह इस साल की चोरी भी कामयाब होगी। उसने पहले से ही अपना टारगेट फिक्स करके रखा था, जो एक घर था सटोवर ग्रेंज में। हॉरिस उस घर पर दो हफ्तों से नजर रख रहा था और अब उसे उस घर के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया था। उसे ये भी पता था कि उस घर के ओनर्स लंदन में रहते हैं और वो घर पूरा खाली है। हॉरिस ने ये भी कैलकुलेट कर रखा था कि उस घर के शेफ के अंदर उतने गहने हैं जिसकी कीमत लगभग 15,000 pounds होगी और उन गहनों को बेचकर जो पैसा मिलेगा वो उसके पास एक साल तक चल जाएगा। घर की तरफ चलते चलते वो उन बुक्स के बारे में सोचता है जो वो चोरी किए हुए पैसों से खरीदेगा। वो अपने ग्लव्स पहनता है और किचन के दरवाजे के सामने टंगी हुई उन चाबियों को लेता है और दरवाजा खोलता है। किचन में एक छोटा सा कुत्ता लेटा हुआ था, पर हॉरिस उस कुत्ते को उसके नाम से बुलाता है और कुत्ता कोई आवाज नहीं करता, बस अपना पूंछ हिलाता है। और हॉरिस ड्राइंग रूम की तरफ चला जाता है जहां पर तिजोरी रखी हुई थी, वो भी एक बेकार सी पेंटिंग के पीछे। ड्राइंग रूम में फ्लावर्स रखे हुए थे जिन्हें सूंघते ही हॉरिस को हे फीवर हो जाता है और वो जोर जोर से छींकने लगता है। हॉरिस के लिए उस तिजोरी को खोलना कोई मुश्किल बात नहीं था। आखिरकार उसका पूरा जीवन इन्हीं तालों और तिजोरियों के बीच में था, तो वो पूरे कॉन्फिडेंस से तिजोरी को खोलने के लिए अपने टूल्स निकालता है। तिजोरी खोलने से पहले वो हॉल की तरफ जाता है चोरी से सतर्क करने वाले अलार्म को काटने के लिए। फिर से जब वो वापस आता है तो उन फूलों की सुगंध उसके नाक तक जाती है और वो फिर से छींकता है। ये फूल उसके काम में बाधा डाल रहे थे। तभी उसे दरवाजे से एक आवाज सुनाई देती है। यह क्या है, जुखाम या हे फीवर? इससे पहले कि हॉरिस कुछ सोच पाता वो बोल देता है हे फीवर और वो फिर से छींकता है। फिर से वो आवाज उसे कहती है कि आपको इस बीमारी का अच्छी तरह से इलाज करवाना चाहिए, नहीं तो ये आपके काम में बाधा बन सकती है। हॉरिस घूमता है तो देखता है वो एक लेडी थी जिसने लाल कपड़े पहने हुए थे और वो काफी यंग और सुंदर थी। शेरी जो कुत्ता था वो उसके बाजू में खड़ा था। हॉरिस ने सोचा ये घर की मालकिन है। मुसीबत से बचने के लिए हॉरिस उसे अच्छे से जवाब देता है कि उसने नहीं सोचा था कि घर में कोई होगा। जो लेडी लाल कपड़ों में थी वो हॉरिस से पूछती है कि अब वो क्या करेगा पकड़े जाने पर। हॉरिस वहां से भागना चाहता था, पर वो लेडी उसे धमकी देती है कि वो पुलिस को बुला देगी। हॉरिस उसे डराने के लिए कहता है कि वो टेलीफोन के वायर्स काट देगा। ऐसा कुछ नहीं होने पर वो लेडी को उसे जाने देने के लिए कहता है। जो लेडी लाल कपड़ों में थी वो उससे कहती है कि
समाज को उस जैसे आदमियों से बचाने की जरूरत है। हॉरिस इस पर कहता है, पर मैं उन लोगों से चुराता हूँ जिसके पास ज्यादा पैसे हैं। उसके बाद हॉरिस उस लेडी से ये भी कह देता है कि उसे जेल जाने से डर लगता है। अब वो लेडी हॉरिस से एक मदद मांगती है उसके आजादी के बदले में। वो लेडी हॉरिस से कहती है कि वो तिजोरी का नंबर भूल गई है और उसे खोलने में उसे हॉरिस की मदद चाहिए। हॉरिस उसकी मदद करने के लिए बेताब था और यहाँ तक कि वो अपना ग्लव्स भी उतार देता है उसकी सिगरेट जलाने के लिए। वो जल्दी से तिजोरी खोलकर उन गहनों को उस लेडी को दे देता है। फिर वो एक प्रॉमिस करता है कि वो फिर कभी चोरी नहीं करेगा और वहाँ से चला जाता है। दो दिनों तक हॉरिस अपना प्रॉमिस निभाता है। तीसरे दिन बुक्स खरीदने की चाहत में हॉरिस अपना प्रॉमिस तोड़ देता है। वो दूसरी चोरी करने का प्लानिंग्स करने लगता है पर उसे कभी चांस ही नहीं मिलता। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है सटोवर ग्रेंज से गहने चुराने की जुर्म में। उसने अपनी लापरवाही से तिजोरी पर अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ दिए थे। वो अपनी कहानी पुलिस को बताने की कोशिश करता है। उसे बाद में एहसास होता है कि जो लेडी लाल कपड़ों में थी वो दूसरी चोर थी और उसने उससे ट्रिक करके वो तिजोरी खुलवाई थी। हॉरिस को उसी जगह भेज दिया जाता है जहाँ पर उसे जाने से सबसे ज्यादा डर लगता था और वो थी जेल। वो अब जेल में एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन है और जब भी कोई उससे बोलता है कि चोरों के बीच में आपस में सम्मान होता है तो उसे इस बात को सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो फील करता है कि जो लेडी लाल कपड़ों में थी उसने ही इस कोड को गलत साबित किया जिसकी वजह से आज वो जेल में है।